बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फजलुर्रहमान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स बाय फजलुर्रहमान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है रेडिकल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, क्लास टेंथ मैथ्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अपीयरिंग अंडर रेडिकल साइन और सिंबल, रेडिकल सिंबल कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अपीयरिंग अंडर रेडिकल सिंबल्स इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। टुडे वी विल डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशन एंड वी आल्सो फाइंड इट्स सॉल्यूशन। आज हम थ्री टाइप्स है रेडिकल इक्वेशन के और उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे कि उसकी सॉल्यूशन को किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशन। पहला जो टाइप है वो है अंडर द रूट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये फर्स्ट टाइप है। टाइप नंबर सेकंड एक्स प्लस ए अंडर द रूट एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस सी, यानी उसी फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ जाए, रेडिकल इक्वेशन आ जाए तो उसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। और तीसरा जो टाइप है टाइप नंबर 3, ये थ्री टाइप्स है रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट टाइप, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन 5x+21 स्क्वायर रूट इक्वल टू x+3। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों अतराफ पे स्क्वायर लेने से स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर ले, 5x+21 इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म और दूसरा टर्म, 5x+21 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 × 3 = 6x। सारे टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर ले, तो मैं इन दो टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 + 6 = 6x। 5x को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले -5x, 21 को शिफ्ट कर ले -21, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 6x -5x प्लस 9 -21 -12 इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बाइफैक्टराइजेशन सॉल्व कर ले। बाइफैक्टराइजेशन ये सॉल्व होता है इस तरह, टू टर्म्स फाइंड कर ले जिसकी एडिशन से +1x आ जाए और उसकी मल्टीप्लिकेशन से उन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो इसी तरह टू टर्म्स है 4x - 3x -12 इक्वल टू 0, इन दोनों की एडिशन से +x आता है और मल्टीप्लिकेशन से -12x² आता है। पहले दो टर्म से x कामन ले ले x+4, सेकंड टू टर्म से -3 कामन ले ले x+4 इक्वल टू 0। अभी x+4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, x+4 को कामन ले ले x+4, तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ पर -3, x -3 इक्वल टू 0। इन टू टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 के इक्वल होगा, x+4 इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0। कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 3, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 5x+21 इक्वल टू x+3। पहले टाइप पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी सेकंड टाइप पे भी एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर टाइप पे सेकंड जो टाइप है x+a + x+b = x+c और सारों पे स्क्वायर रूट है,
तो इसी तरह मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 लिया है, व्हिच इज ऑफ द सेकंड टाइप। नाउ वी विल सॉल्व x स्क्वायर बोथ साइड, x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर ले और ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो उसको एक्सपेंड कर ले, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म और दूसरा टर्म x प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ है, तो यहाँ रह जाएगा 6x प्लस 13। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर ले और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर ले, x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 7 इनटू x प्लस 2, ये दोनों प्रोडक्ट में है, इक्वल टू 6x प्लस 13। x प्लस x 2x, 7 प्लस 2 9, 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 प्लस 2 x प्लस 7 इनटू x प्लस 2 इक्वल टू 6x प्लस 13। अभी 2x प्लस 9 को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, तो यहाँ रह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 6 एक्स प्लस 13। 2x को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले माइनस 2x, प्लस 9 को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले माइनस 9, 2 इंटू एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 2 6 एक्स माइनस 2 एक्स 4 एक्स 13 माइनस 9 प्लस 4, 2 इंटू एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 2, उससे 2 कामन ले ले, उसमें 2 कामन है 4 एक्स प्लस 4, तो यहाँ रह जाएगा 2 एक्स प्लस 2। 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर ले, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों को 2 पे डिवाइड करने से 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 उस 2 के साथ, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 एक्स प्लस 2। नाउ टू कैंसिल स्क्वायर रूट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी टेकिंग स्क्वायर अगेन, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से x प्लस 7 x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 x प्लस 2 होल स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर उस टर्म पर भी है और उस पर भी है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर ले ले, विच आर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, पहले टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म और दूसरा टर्म, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर ले और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर ले, x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 एक्स होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 पर भी है और x पर भी है, 2 स्क्वायर बराबर है 4 के और x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर है 4 के, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मल्टीप्लाइड बाय x 8 x। अभी लेफ्ट साइड पे इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर ले, x मल्टीप्लाइड बाय x x स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय 2 2 x, 7 मल्टीप्लाइड बाय x 7 x, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 14 इक्वल टू 4 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 x। अभी सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले या राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, 0 इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 एक्स, एक्स को राइट एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले माइनस एक्स स्क्वायर, 2 एक्स को शिफ्ट कर ले माइनस 2 एक्स,
सेवन एक्स को शिफ्ट कर ले माइनस सेवन एक्स, और फोर्टीन को शिफ्ट कर ले माइनस फोर्टीन, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर थ्री एक्स स्क्वेयर, एट एक्स माइनस टू एक्स, सिक्स एक्स, सिक्स एक्स माइनस सेवन एक्स, तो उसे आता है माइनस एक्स, और कांस्टेंट फोर माइनस फोर्टीन से आता है माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरह टू टर्म्स फाइंड कर ले जिसकी एडिशन से माइनस वन आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से माइनस थर्टी। तो इसी तरह टू टर्म्स है थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो। इन टू टर्म्स की एडिशन से माइनस एक्स आता है और उसकी प्रोडक्ट से उन दोनों का प्रोडक्ट आता है। पहले टू टर्म्स में थ्री एक्स कामन है, थ्री एक्स कामन लेने से यहाँ एक्स रह जाएगा माइनस यहाँ पर टू, उसे फाइव कामन ले ले तो एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस टू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक्स माइनस टू को कामन ले ले, एक्स माइनस टू मैंने कामन लिया तो थ्री एक्स रह जाएगा प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। दोनों के प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है, एक्स माइनस टू या ज़ीरो के बराबर होगा या थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल होगा ज़ीरो के। टू को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले प्लस टू, फाइव को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले माइनस फाइव, दोनों साइड को थ्री पे डिवाइड कर ले तो थ्री पे डिवाइड कर ले सॉरी, थ्री थ्री के साथ कैंसिल हो जाता है और राइट साइड पे फाइव डिवाइडेड बाई थ्री आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री एंड एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एबो, एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री। नाउ वी जस्ट टेक द पॉजिटिव वैल्यू फ्राम द आंसर, एक्स इक्वल टू टू इज द required answer. Similarly from question number first which we solved before, question number one, we take the positive solution from the given two solutions because क्योंकि जो हमारे साथ जो equation है वो linear है, इसलिए उसकी just one solution possible है, x equal to 2 is the solution of the given system given equation, यानी जो दो आंसर आ जाए तो उसे पॉजिटिव वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर लें। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।